ये जो मोदी साहब जो हैं बोलते कुछ है करते कुछ है, ये पूंजीपतियों के बारे में सोचते हैं, इन्हें गरीब जनता गरीब छात्र जो है इनका तकलीफ इनको दिखाई नहीं देता। हाँ। ये सिर्फ दो लोगों के बारे में सोचते हैं, अडानी और अंबानी, इनके अलावा इनको और कुछ दिखता नहीं है। अच्छा। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में जो पिछले साल लोग कोरोना की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके थे, जिस विषय जिस हालात में मध्यम वर्ग परिवार के लोग अपना रोजी रोटी का प्रबंध करेंगे कि बच्चों का फीस जमा करेंगे, अभी देखिए शिक्षा का निजीकरण करने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो गरीब घर के जो परिवार के जो बच्चे हैं वो अपना पालन पोषण कैसे करेंगे। लेकिन सर इतने सारे यदि खराब काम कर रही है मोदी सरकार, तो विपक्ष है वो कहीं खुलकर के बड़े पैमाने पर विरोध करता नजर नहीं आ रहा है? हम लोग तो हैं सड़क पे, अभी देखिए जी आपके हिंदुस्तान में हमारे NSY जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुंदन जी के नेतृत्व में देश के हर कोने कोने पे हम लोग विरोध कर रहे हैं। बस ये इनको क्या है, मोदी जी को जब डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं, CBI को आगे कर देते हैं, ED को आगे कर देते हैं। नगर ये जो कहूँगा डर रही है या विपक्ष डर रहा है? सरकार डर रही है तभी तो पुलिस को आगे कर रही है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे कर देती है, CRP को आगे कर देती है, लेकिन देश के छात्र जो है अब जाग रहे हैं। अब हम लोग पुलिस के डंटा से और पुलिस के गोली से हम डरने वाले नहीं है। कहाँ जाग रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश में भी जागे हुए थे चुनाव के दौरान जो युवा हैं, लाठीबाजी थी इलाहाबाद में, लेकिन बड़ा मोटा वोट बैंक मिला है BJP को उत्तर प्रदेश में, सरकार बनी उन्होंने। इस विषय में तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, यही कहूँगा कि आप तो जान ही रहे कितने वहाँ पे आपका मशीन जो गायब हुए हैं, आप ही के मीडिया के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। हाँ। कई जिला में कितने कितने गाड़ियाँ जो मशीन गायब हुए, तो इसका विषय में तो आप जान ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा। ये जो सरकार है ये जनता के वोट से नहीं आए हैं, ये अपनी ताकत के लाभ से आए हुए हैं। नहीं यदि गड़बड़ी हुई है चुनाव में तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया सड़क पे उतर कर उन चीज़ों का? विरोध तो हम लोग कर रहे हैं, ये लोग जब चाह रहे हैं पुलिस के डंडा ले रहे हैं, अगर हम लोग आ रहे हैं तो सीधा देश दो ही बोल के जेल में डाल दे रहा है, हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। अच्छा। और समय आ रहा है, जल्दी आ रहा है, जनता भी जाग रही है धीरे धीरे, क्योंकि इनके पास सिर्फ चार ही मुद्दा है, भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, रोजगार इनके पास कुछ नहीं है। शिवलिंग निकल रहे हैं, बाबा निकल रहे हैं मस्जिदों में। अब ये देखिए ये तो हम नहीं इस विषय में कुछ बोल सकते, हम सिर्फ वही बात करेंगे जो आम जनता से जुड़ी बात है, ये धर्म मजहब ये हम नहीं जानते। हम एक ही जानते हैं कि आज के डेट में गरीब को दो वक्त का रोटी चाहिए, गरीब छात्र को शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए। फ्री अनाज तो दे रही है मोदी सरकार, कहाँ मिल रही है? 5 किलो अनाज मिलता है प्रति व्यक्ति, 5 किलो अनाज से क्या होगा? उस 5 अभी तो इन्होंने कहा कि 5 रुपया दिया, तो उस 5 रुपया में जानते हैं, मैं अभी 100 बीघा जमीन खरीदा हूँ कोलकाता में, उसी 5 रुपया से मैं अभी जा रहा हूँ लंदन में बिजनेस करने के लिए। उस 5 रुपये में क्या होगा? आज के डेट में इस महंगाई में आप ही बताइए, जहाँ पेट्रोल का दाम 110 रुपया हो गया, 5 रुपया क्या मायने रखता है? हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, धर्म मजबूत कर रही है मोदी सरकार। हिंदू मजबूत नहीं होगा, हमारा देश तभी मजबूत होगा जब हमारे देश का हर युवा को रोजगार मिलेगा, जब हमारे देश के हर नागरिकों को माने भोजन मिलेगा, तब हमारा देश जब मजबूत होगा। योगी जी ने बयान दिया कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी है 5 साल के दौरान। अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दे तो फिर यूपी में बच्चे लोग जो हैं हमारे युवा भाई लोग क्यों सड़क पर आए हुए हैं? सर वोट तो मिल रहा है सर उनको। अब वोट की तो मैंने अभी आपको बता दिया, वोट कैसे मिल रहा है, परेशान है पब्लिक जो है, चुनाव आयोग CBI सारे उनके हाथ के खेला में है, चुनाव कहाँ हो रहा है ये आप देखिए, हमसे बेहतर आप जान रहे हैं क्योंकि आप तो जन जन से आप ही जा रहे हैं। तो फिर चुनाव कैसे किस तरह से कराया जाए? फिर चुनाव मेरे ख्याल से जो है अभी बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाए, EVM मशीन का बहिष्कार। लेकिन EVM को तो कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी। जो बोले EVM मशीन को कांग्रेस सरकार लेके आई थी, कांग्रेस सरकार ने तो ये भी कहा कि EVM मशीन में घोटाला हो रहा है तो EVM मशीन को बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस जो जो चीज़ें पहले बोलती थी, GST बोलती थी कि लाने के लिए लोग उसका विरोध करते थे, आधार कार्ड बोलती थी आधार कार्ड के लोग विरोध करते थे, तो कांग्रेस जो चीज़ें बोलती थी अपने समय पर लाने के लिए उस चीज़ों का तो ये विरोध करते थे। अभी सत्ता में आने के बाद उस चीज़ों को ये लोग लागू करें, और आप जो बार बार मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सब करने के बाद भी भाजपा सत्ता में कैसे रह रही है, भाजपा अगर सत्ता में रह रही है तो उसका मेन जो पॉइंट है वो है, देखिए भाजपा ने काला धन लाएगा और भ्रष्टाचार को मुक्त करेगा बोला था, भारत से भ्रष्टाचार को मुक्त करेगा। इन्होंने 100 रुपये के और 500 के नोट बदल के 500 का नोट बदल के 2000 के नोट निकाले। आज आप देखोगे, आज ही कल का एक रिपोर्ट आया है, 200 जो 2000 का नोट है वो सबसे ज़्यादा नकली नोट छापे गए हैं। तो ये छापा कैसा गया है? कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है, जो नकली नोट छाप रहे हैं उनसे फ़ायदा किसको हो रहा है? सरकार को फ़ायदा हो रहा है। तो सरकार आज अगर जीत अपने सत्ता में आ रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये पैसा का भी देन है। और देखिए लोग, लेकिन सर जो घाटी में पत्थरबाजी तो कम हो गई ना, आतंकवाद तो कम हुआ ना? अरे अभी कश्मीरी में कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, घाटी में कहाँ मतलब ये पत्थरबाजी कहाँ कम हुई? अभी तो एक लोग मरे हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग आके बोल रहे हैं कि मोदी जी तो हमारे कश्मीरी पंडित के बारे में सोचते नहीं, उनको तो सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। देखो वहाँ पे उन्होंने धारा 370 हटा दी है, 56 हटा दिया है, तो शांति आई है घाटी में। भैया धारा 370 सिर्फ पेपर में हटे हैं, आप
वहाँ पे जाके देखिए कश्मीरों पंडित की हालत बहुत ही खराब है। अगर ये मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस को, तो ये कांग्रेस के नाते कोई नहीं बोल रहा, आम जनता से जाके आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये जो अभी कश्मीरी पंडित पे एक जो आक्रमण हुआ, जो हत्या की गई है, उन पे जो नॉर्मल लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने साफ सड़क पे आके बोला है कि मोदी जी हमारे बारे में कुछ नहीं सुनते हैं। उन्होंने सिर्फ 370 धारा हटा के मीडिया के सामने वाहवाही ले लिए और कश्मीरी पंडित का हालत और बदतर से बदतर हो गया है। कई दशक पुरानी समस्या है कश्मीर की, एकदम थोड़ी ना सुधर जाएगी वो। देखिए सुनिए, अगर बोल रहे हैं कई दशकों की ये समस्या है, तो मोदी जी को सत्ता में लोगों ने लाया क्यों है? वो कई दशकों की समस्या को हटाया जाएगा? 370 हटाना समस्या नहीं थी, लोगों की वहाँ जो रहने की जो स्थिति थी, कंडीशन को ठीक करना था। हाँ, लिविंग स्टाइल कश्मीरी पंडित का आज तक ठीक हुई है क्या? उनके बारे में कोई नहीं सोचता है, और भाजपा तो खास करके नहीं सोचता है। लेकिन आतंकवाद तो कम हुआ ना घाटी में? आतंकवाद कहाँ कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई? पत्थरबाजी कुछ कम नहीं हुई है, वो सिर्फ दिखावा है। पत्थरबाजी कहाँ, सुनिए, पत्थरबाजी कहाँ कम हुई है? देखिए, पत्थरबाजी अगर कम हो गई है, तो पत्थरबाजी के कम होने के कारण कश्मीरी पंडित की वहाँ पे हालत ठीक हो जानी चाहिए। हालत वही बदतर की बदतर है। अच्छा, मतलब कश्मीरी पंडित नहीं बच पाए वहाँ पे अभी तक? देखिए, कश्मीरी पंडित को जो उनकी जो लिविंग स्टाइल वहाँ पे होना चाहिए, जो उनका बसर शरण होना चाहिए, आज तक वो नहीं हो पाई है। तो कश्मीरी पंडित जाना भी तो नहीं चाहते वहाँ पे द्वारा से? कश्मीर नहीं, ऑलरेडी बहुत कुछ कश्मीरी पंडित वहाँ पे रह रहे ना, और जाएंगे भी कैसे? ये तो सरकार को उनका कंडीशन ठीक करना चाहिए ना। 370 सिर्फ हटाने से थोड़ी हो जाता है। अच्छा, मतलब वो माहौल नहीं बनाया अभी बसने के लिए? नहीं नहीं, वो बसने वाला माहौल मोदी सरकार ने बनाया नहीं है अभी। सिर्फ धारा को हटा के बाहबाही ले लिया कि हमने 370 हटा लिया। 370 हटाते ही भाजपा कार्यकर्ता पूरा होली फोली दिवाली सब मना लिए। आप जाके कश्मीर में एक बार पूछें जो कश्मीरी पंडित हैं कि क्या आप लोग का जो रहने का जो कंडीशन है ठीक हो गया, आप लोग घरों में अच्छे से रह पा रहे? आज भी लोग डर के रहते हैं। लेकिन सर, उन चीज़ों से वोट तो मिल रहा है मोदी सरकार को। देखिए मैं आप, हाँ, रही बात वोट वाली बात, देखिए लोगों को आज भी एक आशा लगती है ना, जो कुछ लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, सही दिन में अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, और कुछ दिन वेट कीजिए, सारे जनता सड़क पे आके बोलेंगे मोदी जी, हाथ जोड़ के बोलेंगे हमारे वो बुरे दिन लौटा दो आप, हमको नहीं चाहिए अच्छे दिन। और अच्छे दिन का हम कब तक वेट करेंगे? कहाँ सर, इतनी महंगाई में भी जनता चू तक नहीं कर पा रही है। देखिए महंगाई के लिए जनता विरोध नहीं हो रहा है? नहीं, विरोध कहाँ नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है। जनता सड़क पर तो नहीं आ रही है? सुनिए, जनता सड़क पर आ रही है, लेकिन एक होता है ना, मोदी सरकार सो पड़ी है, उनके कानों में ना जो एक तो रू जो रेंगता है ना, और रू मतलब जो जू रेंग नहीं रहा है। हम मोदी डंका बजा रहे हैं पूरी दुनिया में, जापान गए थे कह रहे हैं बुद्ध के देश से आए हैं, हम बुद्ध को जीवित कर रहे हैं फिर से। नहीं नहीं, वो तो जहाँ पे जाते हैं बोलते हैं मैं इस देश से हूँ, अगर जहाँ जापान जाएंगे तो बोले मैं जापान में ही पैदा हुआ हूँ। वो जहाँ पे जाएंगे वो शो करते कि मैं यहीं का हूँ। आप एक बार भारत सुनिए, आप जापान में क्या, आप भारत में किसी भी राज्य में जाके पूछिए जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, कि कंडीशन क्या है, आम जनता वहाँ पे रहा कैसा रहा है। आज देखिए महंगाई चरम सीमा पे है, 100 रुपये के नीचे सरसों तेल था, आज 250 रुपये सरसों तेल खरीदते हैं। युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, रूस में, इस वजह से महंगाई हुई है? नहीं नहीं, महंगाई उस चीज़ से नहीं हुई है। देखिए यूक्रेन का जो झगड़ा हुआ है अभी 6 महीना से हुआ होगा, ये सरसों तेल पेट्रोल डीजल ये कब से महंगा हुआ है? 3-4 साल हो गए। मुझे तो लगता है जब से सत्ता मोदी सत्ता में आई है, कांग्रेस के टाइम आप देखोगे 55-60 रुपया पेट्रोल की रेट होती थी, जब से भाजपा सरकार आई है उसके बाद से आप देख रहे होंगे 65, 70, 80, 90, 100 से नीचे तो अभी जा ही नहीं रहा है। लेकिन महंगाई से विकास होता है ऐसा कहते हैं बीजेपी के नुमाइंदे? महंगाई से विकास नहीं होता है, महंगाई से जो गरीब लोग हैं ना, गरीब जनता की नाश होती है, और गरीब जनता की नाश हो ही रही है। बढ़ावा किसका हो रहा है? सिर्फ पूंजीपति का। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम के दम पर 2024 की तैयारी कर चुके हैं पूरी तरह से। देखिए हिंदू मुस्लिम जो ये कर रहे हैं भाजपा वाले, जनता कभी ना कभी इसको समझेगी, और जो एजुकेटेड मास है ना उस चीज़ को अब धीरे धीरे समझने लगी है। कहाँ शोभा यात्रा में युवा ही तो जा रहा है, आप जैसे लोग तो झंडा उठा रहे हैं उनके शोभा यात्रा में। आप जितने भी लोग देखे होंगे ना, एक क्या होता है कि बच्चे, देखिए कोई भी हिंदू जो है वो एक इमोशन से जुड़ा होता है, ठीक है, थोड़े देर के लिए आप कहीं अभी यहाँ पे एक हिंदू गाना बजा दीजिए, माहौल क्रिएट कर दीजिएगा, बच्चा उसमें नाच देगा, उस फ्लो में चल जाएगा, लेकिन वो जब घर जाता है ना तो पछतावा करता है कि अरे मैं कहाँ चले गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। उसी जो देखिए जितने भी युवा उनके मतलब रैली वगैरह में जाते, क्या जरूरी है सारा युवा उनको वोट देते? नहीं, सारे युवा उनको वोट नहीं देते हैं। वोट देखिए एजुकेटेड मास है ना, धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, और आने वाले दिनों में एजुकेटेड मास पूरा जागरूक हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है।